प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की अचानक तबीयत खराब होने की खबर जैसे ही बुंदेलखंड के महोबा वासियों को हुई तो मंदिरों में प्रार्थनाओं और मजारों में दुआओं का दौर शुरू हो गया। दरअसल आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की अचानक तबीयत खराब हो गई है। इसके बाद पूरे देश में प्रार्थना का दौर शुरू हो गया। तो वहीं बुंदेलखंड के महोबा में भी उनकी सलामती की दुआ की जा रही है। महोबा में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोगों ने उनकी सलामती की दुआ की। महोबा शहर के तहसील चौराहे के संकट मोचन श्री हनुमान धाम में इकट्ठा हुए लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंदिर में हवन पूजन कर पीएम मोदी के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की गई। बीजेपी नेता आशीष शिवहरे बताते हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी की मां की तबीयत खराब होने की खबर मिली है वह लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की माता जी की तबीयत खराब हुई है और गुजरात के अहमदाबाद में अस्पताल में वो हॉस्पिटलाइज हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि उनकी हालत स्थिर है, तो हम उनकी माता जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए, उनके दीर्घायु जीवन के लिए हम यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ बजरंगबली महाराज जी के सामने कर रहे हैं। हवन का भी कार्यक्रम है, इसके पश्चात हवन भी करेंगे और बजरंगबली महाराज जी से हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वो दीर्घायु हूँ, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि एक युग पुरुष को जन्म दिया है, इसलिए सारा राष्ट्र उनको नमन करता है और उनका कृतज्ञ है, इसलिए हम आज इस मंदिर में उपस्थित हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ महोबा शहर के सुभाष चौक इलाके के पास की है जहां गरीब दाता शाह दरगाह में इकट्ठा हुआ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की तबीयत की सलामती की दुआ की। हाथों को दुआ में उठाते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अल्लाह से दुआ की कि देश के प्रधानमंत्री की मां की तबीयत में जल्द सुधार हो जाए। इस दुआ में मासूम बच्चों के साथ बुजुर्गों और युवाओं ने भी हिस्सा लिया। दरगाह में इकट्ठा हुए लोगों में सरफराज रोहित अंसारी बताते हैं कि उन्हें जैसे ही खबर मिली थी कि प्रधानमंत्री मोदी की मां की तबीयत खराब है, वे सभी देश की प्रधानमंत्री की मां की स्वास्थ्य के लिए दुआ करने आए और दरगाह में इकट्ठा होकर सभी ने अल्लाह से दुआ की है। क्या नाम है? रोहित अंसारी। क्या हो रहा है दरगाह में? जी, दरगाह में अभी सूचना मिली कि हमारे विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी की तबीयत खराब है, इसलिए हम सारे मुसलमान भाई मिलकर अपने अल्लाह ताला से दुआ करें वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। संख्या मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, आवास योजना दी है, आयुष्मान कार्ड दिया है और इस कोरोना काल में फ्री राशन दिया है, इसलिए मुस्लिम समाज के लोग बहुत खुश हैं। इसलिए उनकी माता के लिए दुआ मांगी जा रही है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। फैजान, फैजान क्या कर रहे हो यहाँ पे? मोदी जी की माँ के लिए दुआ। क्या हो गया मोदी जी की माँ को? वो तबीयत खराब हो जाए। आपने दुआ की? जी। क्या कहा दुआ में आपने, क्या मांगा? या अल्लाह जो है मोदी जी की माँ के जल्दी से शिफा कर दे, जल्दी ठीक कर दे। आ जा। क्या नाम है? हमारा नाम सरफराज है। सरफराज क्या कर रहे हैं यहाँ पे तुम? ये हम लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो वालिदा साहब की अचानक तबीयत बिगड़ गई है उनके हक में हम सब दुआ कर रहे हैं। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे मदरसे के जो हिफ्ज़ कर रहे हैं, ये छोटे बच्चे भी उनके हक में, वालिदा के हक में और उनकी सेहत याब हो जाए, जल्द से जल्द उनके हक में दुआ कर रहे हैं हम लोग सब मिल के। क्या दुआ की जा रही है? आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता की तबीयत खराब है, इसलिए हम लोग दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी माता जी अच्छी हो जाएं और उनकी सेहत ठीक हो जाए। महोबा से इरफान पठान की रिपोर्ट।